इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। एक खास बात यह है कि माह रमजान में हमको सदका फितरा खैरात, एक रिपोर्ट भी है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खैरात करने वाला मुसलमान है, सबसे ज्यादा मदद करने वाला भी मुसलमान है। लिहाजा हमको गौर करना चाहिए कि हम किन को मदद करें, किन लोगों को, कौन है वो जरूरतमंद लोग। हम दो हमारे पड़ोस में, अड़ोस पड़ोस में लोग रहते हैं, हम बजाय इन्हें देने के किसी और को देते हैं। और खासकर जो ये स्पीकर लगाकर गाड़ी पर आते हैं माजूर बनकर, जो एक ड्रामा यानी कि एक नौटंकी की तरह ये कर जो हजारों रुपया लूट कर चले जाते हैं, अगर हम यही रुपये हमारे अड़ोस पड़ोस में जो दो घर छोड़कर एक बेवा है, इस तरफ यतीम है, दो घर छोड़कर एक मजबूर औरत दूसरों के घरों में बर्तन मांझ कर अपना गुजारा करती है, घरों में जाकर वो भी अपने बच्चों के लिए इफ्तारी के लिए सहरी के लिए सामान जुटाती है, हम ऐसे लोगों को देने की बजाय हम ऐसे लोगों को दे देते हैं जो ना तो वो मुसलमान होते हैं और ना उसके मुस्तहिक होते हैं, और हम ऐसे लोगों को देकर अपने पैसों को बर्बाद करने की बजाय उन लोगों को दो, क्योंकि वो कहीं दूर नहीं है, हमारे अतराफ में है, हमारे रिश्तेदारों में है, हमारे पहचान में है, हम ऐसे लोगों की मदद करें। इसलिए कि रमजान सदका खैरात का सबक देता है, गरीबों की मदद का सबक देता है, और ऐसे लोगों को जो जरूरतमंद हो, वो किसी धर्म भाषा से ताल्लुक रखते हो लेकिन वो गरीब हो, वो मुस्तहिक हो, हम इनको देने के बजाय कई जगह पर गलत जगह पर पैसे अपने लगा देते हैं। क्योंकि आजकल अल्लाह ताला ने मुसलमानों को काफी सारी दौलत से नवाजा है, हम इसका भी ख्याल करें कि जब हम जकात भी निकाल रहे हैं तो वो मुस्तहिक कौन है। इत्तेहाद न्यूज की तरफ से आपको ये गुजारिश है, ये पैगाम है कि हम गली मोहल्ले के अंदर अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को मदद करने की कोशिश करें, ना कि उन लोगों को जो इन पैसों के जरिए से नशा करते हैं, गांजा पीते हैं, शराब पीते हैं, और बाज़ औक़ात तो वो हमारे कौमी भाई भी नहीं होते। लिहाजा ऐसे मुजरिमों को देने की बजाय हम उन जरूरतमंद मुसलमानों को देने की कोशिश करें। शुक्रिया, अल्लाह। इनका नाम है पन्नालाल, ये मुसलमान बने घूम रहे हैं, फितरा ज़कात सब मांग रहे हैं। आप लोग इनसे होशियार रहिए, ठिलिया वाले जहाँ कहीं दिखे एक रुपए खराब न करिए, मारिए अलग से। इनका नाम है पन्नालाल, बाप का नाम रामा, बाप का नाम रामा सरे, और ये दाढ़ी देखिए, और ये पगड़ी देखिए, और ये लिबास देखिए। ये मुन्नी भाई नाम कल्लो बता रही है, लेकिन गैर मजहब की नाम मुसलमान का खराब, यही कहती है बुरखा बंद करो, नकाब बंद करो, बदनाम मुसलमान बहने। ये मुस्लिम कहती है बुरखा बंद करो। ये जो जो देख रहा है गौर से देख लो, ये मुसलमान औरत नहीं है, ये नकाब पहने हिंदू औरत है। No, you Muslim? Emoni. You are Muslim or not? Muslim Romena. Okay. Okay. Can you recite kalama? Kalama. Yeah. What is that? Recite kalama. Emoni. Where are you going? Recite kalama. You're Muslim, huh? Why don't you recite kalama? Where are you running? Where are you running? Yeah. What happened to you now? Where are you going? Don't call yourself Muslim. You are not Muslims. Okay? Don't call yourself Muslims anymore. You see, brothers and sisters, I'm in Ilford on Ilford Lane. These beggars, they call themselves Muslims. They are not Muslims. They're just making them worse. Nothing else. Muslim. के लिए ये मुसलमानों को तुम बदनाम क्यों करते हो? टोपिया लगा के लगाए लिया जब इतने मुसलमानों को बदनाम किस चीज के लिए कर रहे हो? पूरे हिंदुस्तान के अंदर बदनाम हो रहे हैं कि मुसलमान भीख मांगता है, और तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? टोपी लगा रखी, नाटक करते हो, उतारो टोपिया, उतारो सब।
देखो ये मुसलमान बन के नाटक कर रहे हैं सारे। काम करो पुलिस को ला लो ना, धर्म आना चाहिए। पुलिस को ना तो थारी है कोई बात नहीं। आप तरीके से आज सुनो, खड़े रहो तुम। सुना आज से हम नहीं मांगेंगे। और आज से करते क्यों तुम नाटक पूरे शहर में, पूरे हिंदुस्तान में बवाल कर रखा तुम सबने। अगर तुम हिंदू हिंदू के रूप में आते तो हम आपको इनकार करते, आपको भी देते उनको भी देते। फिर ऐसी क्या तकलीफ थी? क्या मुसलमान बन रहे हो? अब पूरा भेष बना रखा मुसलमानों का।